It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. में मौजूद है वासे जलील साहब, सीनियर रहनुमा है MQM के और इस कोर कमेटी के रुकन भी। बहुत बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब हमारा साथ देने का। फरमाइएगा आखिरकार वो निजाम जिसके जरिए MQM ने कराची में अपना लोहा मनवाया, आप पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कन्विंस नहीं कर पाए। सबसे पहले तो शुक्रिया मैं बुखारी कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि जो भी नेगोशिएशन चल रहे हैं वो किसी भी डेडलॉक का शिकार नहीं हुए हैं और इसमें बातचीत अभी जारी है और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मतलब ज्यादातर जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि वो सन 1989 का निज़ाम जो है मतलब वो लागू करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो सन 2001 का निज़ाम है और उस सन 2001 के निज़ाम में जो हम बेहतर तब्दीली ला सकते हैं, हम बहुत शुरू से भी कहते आ रहे हैं, बल्कि जब हम अपने टेन्योरशिप में भी थे तो हमने उसमें भी कहा था कि इसमें भी बहुत सारी असलाहत की गुंजाइश है। तो उस 2001 के और इस असलाहती पैकेज के साथ सन 2010 के हम एक्ट का इसको हम नाम देते हैं और ये तमाम चीजें हमने अपना पूरा मुसव्वदा जो है पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी जमा करा दिया है, पाकिस्तान की और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनको भी अपना मुसव्वदा। आप अपनी जगह जितने भी डिप्लोमेटिक हो दैट्स वेल एंड गुड, मगर आपको भी इस बात से पूरी तरह आगाही है कि एक डेडलॉक हो रहा है। वो 1979 का सिस्टम चाहते हैं, आप 2001 का सिस्टम चाहते हैं, दोनों पर अमीम इसमें चाहते हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो आपको दी गई मोहलत है इन आईनी तरमीम को लाने के लिए वो बस उसके बस 20 दिन बाकी रह चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि 20 दिन में आप ये कर लेंगे एस्टैब्लिश और इसके ऊपर फैसला हो जाएगा और दोनों पार्टीज एक ही मरहले पे पहुंच जाएंगी 20 दिनों के अंदर? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे और कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और बात वही एम्पावरमेंट की है। अगर हम बेसिक डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम चाहते हैं कि बाकायदा एस्टैब्लिश भी हो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा भी बने। गो के एक पोर्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट का सिर्फ जिक्र है, मगर हम ये चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 140A है जहां पर लोकल गवर्नमेंट को बाकायदा माना गया है उसको हम एज अ थर्ड टीयर जो है उसको एक्सेप्ट कराएं। और बात यह है कि वही वाली बात इसमें हम जो चाहते हैं कि वो जितनी एम्पावरमेंट है वो नीचे तक जाए। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह के सिर्फ आप कराची और हैदराबाद के हवाले से अपनी मर्जी की तब्दीलियां चाहते हैं जबकि सूबे के दूसरे अजला के हवाले से आप पीपल्स पार्टी की बात मानने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, हमने कोई ऐसा कोई अपना मौकफ रखा है कि कराची और हैदराबाद को जो है वो सेपरेट ट्रीट किया जाए। हम उसी निजाम के तहत जो जिसको मैंने आपको बताया कि सन 2010 का जो एक्ट नहीं, बनेगा, तो 7 के तहत जो आप चाह रहे हैं वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं जी, मैं कोई इलीगल नहीं है और मैंने कहा ना कि 140A में जाएं तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं और अगर आर्टिकल 7 के अंदर भी लिखा है तो उसमें भी इस्लाहत लाई जा सकती है। बात डेवोल्यूशन ऑफ पावर की है। दुनिया में आज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट्स भी है और लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपमेंट से पर्टेन करता है। वैसे मैं आपसे बड़ा ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, आप दोनों से, इंजीनियर साहब आपसे भी, वासे साहब आपसे भी, 20 दिन रह गए हैं और अभी तक आप लोग आइन की ही ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, ऊपर से आप हम आंगी तो बड़ी दिखा रहे हैं, दैट्स वेल एंड गुड, मगर लग रहा मुझे यूं है कि ये कमेटी से आपके सॉल्व नहीं हो सकेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह सॉल्व हो गया इसमें और कोई इसमें कोई ईगो का इशू नहीं है। असल चीज है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं जी, क्या सॉल्व हो गया है? नहीं, अभी जो अभी तो जाहिर बात है हमारे सिर्फ अभी 4 से 5 जो टोटली इस हवाले से जो पर्टिकुलरली इस इस्लाहती इसके जो जो आईनी निजाम है इस हवाले से जो हमारे इजलास हुए हैं तो डेफिनेटली किसी तरफ तो प्रोग्रेस। अच्छा, कर रहे साहब, 2000 कहीं ऐसी सूरत जी, 2001 के निजाम से आपकी मोहब्बत 2004 में हम लोगों ने देखी थी, जब 2004 में भी आकर डेवलप हुई है ये आपकी मोहब्बत इस निजाम के साथ? आप लोगों ने तो पहले आपकी जमात ने कराची की निजामत हासिल कर ली थी, तब तक तब मोहब्बत आई, जबकि इसी निजाम के तहत पहला बलदियाती इलेक्शन का तो आपने बॉयकॉट किया था, याद होगा आपको? जी बिल्कुल किया था, 2001 का ऑन रिकॉर्ड जो है वो बाइकआउट किया था और ज्यादा उस वक्त वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं था और जब 2002 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है तो इसी वजह से फिर हमने 2005 में जाके कॉन्टेस्ट किया। इट्स ऑन रिकॉर्ड।